वाटर एंड एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीज्ड, पानी और हवा की आलूदगी भी इसकी वजह से बढ़ रही है, थस रिजल्टिंग इन क्लाइमेट चेंज। जो किसके उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है। वेज टू कंट्रोल क्लाइमेटिक चेंज, हमने किस तरह क्लाइमेट के चेंज को रोकना है। वाटर पोल्यूशन, फर्स्ट वन इज़ पानी की आलूदगी। ईट लेस मीट, कम गोश्त खाएं, बिकॉज रेजिंग लाइफ स्टॉक यूजेज अप अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जितना लाइफ स्टॉक बढ़ेगा उतना ही पानी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। ऑल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ यूज इन प्रोसेसिंग द हीट, और बहुत सी एनर्जी यूज होती है हीट के मीट के प्रोसेस के अंदर। वॉश लॉन्ड्री इन कोल्ड वाटर, पहले उसको ठंडे पानी से धोया जाता है, एंड हैंग इट टू ड्राई आउटसाइड, फिर उसको लटकाया जाता है ताकि वो खुश्क हो सके। ट्राई टू यूज़ लेस वाटर, कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, एंड अवॉइड टू पोल्यूट इट, उसको आलूदा भी मत करें। एयर पोल्यूशन, डिज़ाइन एंड बिल्ड योर ऑन सोलर कुकर, सोलर कुकर का बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। टू कुक योर ऑन फूड, अपना खाना बनाने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हॉरिबल एनर्जी वेस्टिंग ओवन, आपको ओवन और स्टोव चूल्हे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चेंज इन ऑल द लाइट बल्ब इन द हाउसेज टू कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब, जो आप घर में बल्ब यूज़ कर रहे हो उसकी जगह आप लोग को फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स का इस्तेमाल भी कम कर दें। यूज़ अल्टरनेटिव मेथड्स, कोई दूसरा मेथड यूज़ करें ट्रांसपोर्टेशन का, सच है जैसे कि वॉकिंग, राइडिंग अ बाइक या फिर बाइक को चलाना, ड्राइविंग अ हाइब्रिड व्हीकल या फिर हाइब्रिड व्हीकल को ड्राइव करना। इंक्रीज इन मोर प्लांटेशन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। गिव ग्रीन गिफ्ट्स, ग्रीन गिफ्ट्स दें, ठीक है, लाइक ग्रोइंग ऑफ फ्लावर, जैसे कि एक फूल लगा के दे दें इन अ डेकोरेटेड पॉट, डेकोरेट करके पॉट को डेकोरेट करके, एंड गिविंग इट टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दें, अपनी फैमिली को दें। अवॉइड अननेसेसरी कटिंग ऑफ पेपर्स, अगर आपको ट्रीज की कटिंग को कम कर दें अगर आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, तो पे द बिल्स ऑनलाइन, बिल का इस्तेमाल बिल्स आप लोग ऑनलाइन पे करें, क्योंकि आपको पता है जो पेपर है वो किससे बनता है, वुड से बनता है, और बिल जो होते हैं वो आपके पेपर पे आते हैं, तो आप लोग का जो पेपर का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं पेपर को, जिसकी वजह से हमारा जो वुड है वो भी वेस्ट ही होती है, तो टिश्यू पेपर है वो भी वुड से बनता है, तो उसका इस्तेमाल भी कम करें, या फिर बहुत ज़रूरत हो तो तभी उसका इस्तेमाल करें। चेंज योर लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, परचेज लोकल फूड, लोकल फूड को खरीदें, लिव अ सिंपल लाइफ, सादा ज़िंदगी गुजारें, ओनली परचेज द थिंग यू रियली नीड, से वो चीज़ें खरीदें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बी क्रिएटिव विद योर ट्रैश, जो आपका ट्रैश है, ठीक है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो आप समझते हैं या अब आपके काम नहीं आएंगी, उनसे भी आप लोग उसको भी क्रिएटिव बनाएं और उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। डेकोरेट सॉप टिन इनटू पिन होल्डर्स एक्सेट्रा, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर आपको बताया है कि उन्होंने किस तरह जो टिन्स वगैरह हैं उनको किस तरह उन्होंने इस्तेमाल में लाया है, उसके अंदर पेंसिल्स रखी हैं, पेन रखे हैं, तो आप लोग इस तरह क्रिएटिव बने और ट्रैश को यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ आपका ऑप्शंस है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द सर्कल। पीपल यूजली कन्फ्यूज वेदर विद, वेदर को वेदर और किस में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता, क्लाइमेट, कंडीशन, एटमोसफेयर या समर, क्लाइमेट, ठीक है। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी आर द एलिमेंट्स ऑफ, ये किसके एलिमेंट्स हैं जी, वेदर, इक्वेटर, क्लाइमेट या फिर कंडीशन के, क्लाइमेट के। द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट्स के कितनी टाइप हैं, 2, 3, 4, 5, 3। रेन फॉरेस्ट हैव द मोस्ट रेश वेदर ऑन द अर्थ, कैसा वेदर होता है जी रेन फॉरेस्ट का, प्रिडिक्टेबल, कोल्ड, विंड, हीट, प्रिडिक्टेबल। द टॉरिड जोन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन या नन ऑफ दीज, कौन सा जोन है इसका, ट्रॉपिकल जोन को टॉरिड जोन भी कहते हैं। ओनली इन कोस्टल एरियाज लाइक डैश देर इज इनफ ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमिडिटी पूरा साल ही रहती है, तकरीबन पिशावर, लाहौर, कराची या मुल्तान, कराची क्यों, क्योंकि यहाँ पर समंदर है। सी ब्रीज कीप्स द डैश प्लेजेंट, सी ब्रीज समंदरी हवा की वजह से क्या चीज़ खुशगवार हो जाती है, वेदर, क्लाइमेट, अर्थ या जोन्स, क्लाइमेट। मोस्ट ऑफ द माउंटेनियस रीजन ऑफ डैश आर ड्राई एंड हॉट, कौन से पहाड़ी इलाके हैं जो गर्म और खुश्क रहते हैं, कराची, लाहौर, पिशावर या फिर बलोचिस्तान। क्लाइमेट आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन आर क्लॉथिंग एंड, क्लाइमेट किसके ऊपर असरअंदाज है, क्लॉथिंग के ऊपर और फूड के ऊपर। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, गिव द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज क्लाइमेट, आबोहवा क्या है, इसके आंसर आपको यहाँ से बताऊंगी मैं। द क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द जनरली प्रीवेलिंग वेदर कंडीशंस ऑफ आर रीजन एवरेज ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स, जो आपके पूरे साल के अंदर जो आपके वेदर के अंदर चेंज आती रहती है, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, क्लाइमेट बोलते हो। दीज चेंजेस व्हेन हैपन, ये जब चेंजेस आती हैं, वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज चेंजिंग, तो हम कह सकते हैं कि इस खित्ते का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट और वेदर के अंदर जी क्या डिफरेंस है वो बताना है। इसके लिए आप लोग यहाँ आ जाएं, पेज नंबर है आपका 32।
यह है आपका क्लाइमेट और वेदर के अंदर डिफ्रेंशिएट बता दिया गया है। 4 पॉइंट्स हैं आपके, 4 पॉइंट्स क्लाइमेट के हैं, 4 वेदर के हैं। ये आप लोगों ने करना है यहाँ से यहाँ तक। ये आपको पहले ही पिछले लेक्चर के अंदर आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट। उन फैक्टर्स के नाम बताएं जो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। आपने इसमें सिर्फ नेम्स लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकेंड इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर्स, थर्ड वन इज एल्टीट्यूड हाइट फ्रॉम सी लेवल, फोर्थ वन इज विंड्स डायरेक्शन, फिफ्थ वन इज माउंटेन बेरियर्स एंड लास्ट वन इज ओशेनिक करंट्स। यहाँ तक आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है।